हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला। दोस्तों, मैंने अपना छोटा सा सेटअप तैयार कर लिया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और यहां पर एक चीज़ ये है कि जो ये प्लेनेट है, छोटा सा जो ये पौधा है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वाकई में ये ओरिजिनल पौधा है या प्लास्टिक का है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ओरिजिनल पौधा है और ये लाइव पौधा है, मतलब लाइव ये मतलब ग्रोथ करता है, ऐसा नहीं है ये प्लास्टिक का है। और जहाँ पर ये झालर लगी है, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही इस पे झालर लपेट दी है। तो चाहे तो आप इसको अच्छी तरीके से इसको आप झालर को लपेट सकते हैं। और जो ये पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से गमले में लगा है और इसके अंदर ये मिट्टी भी डाली गई है और बाकायदा इसमें खाद थोड़ी और डाली जाती है और इसमें पानी वगैरह भी देना होता है। तो ये जो ये पौधा है, ये स्टार लाइट का पौधा होता है। ये रात में जो है बहुत अच्छा, जब इस पे लाइट पड़ती है तो बहुत अच्छा ये ग्लो करता है, बहुत अच्छा ये पौधा होता है। तो दोस्तों, इस पौधे को आप नर्सरी से ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। अदरवाइज़ आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपकी 100 रुपये की चीज़ वही 500 की बताएगा पौधों के मामले में। और अगर आप नर्सरी से लेंगे तो यही पौधा आपको 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा। ये पौधा बहुत ही कमाल का होता है। ये पौधा धीरे धीरे ग्रो करता है और इतनी जल्दी ये पौधा मरता भी नहीं। गर्मियों में इसका पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, जब बरसात का जो सीज़न होता है उस टाइम में। और ये पौधा बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत अंदर से, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, उनकी बहुत जल्दी पत्तियां सूख जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठोर पौधा है। मतलब ये इस तरीके का पौधा है कि जैसे पीपल होता है, वो बहुत कठोर होता है, बहुत धीमे धीमे से बढ़ता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। तो सेम ये इसी तरीके से पौधा है और ये हमारे पास तकरीबन 1.5 साल से लगा है और अब तक ये सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है अभी तक हमारे पास 10 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ा होगा। तब से ये हमारे पास ये पौधा ऐसा ही है और पत्तियां इसकी काफ़ी घनी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा पौधा है। ये इनडोर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि इनडोर जब आप पौधा को यूज़ करते हैं तो थोड़ी बहुत जो है उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं, तो उसको धूप भी दिखाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनडोर में ही रख लें, लेकिन ये पौधा वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी धूप भी आए और थोड़ी बहुत आपकी छाया भी रहे। तो ये जो पौधा है मैंने यहाँ पर अपना यूज किया है जो कि बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। अब यहाँ पर जो इस पर लाइट लगी हुई है, यहाँ पर जो ये लाइट लगी हुई है, लाइट को मैंने ऐसे ही बस ऐसे ही मैंने इस पर डाल दिया है। अच्छा दोस्तों, ये जो लाइट है, लाइट भी बहुत कमाल की है। इसको आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और ये लाइट जो है बहुत ही अच्छी है। अच्छी बात इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अदरवाइज आप सर्च करेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये भी आपको 100 रुपये से 120 रुपये या 150 रुपये के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जो है मतलब ऑफर के टाइम बाई किया था तो मुझे 99 रुपये की पड़ी थी। अब इस टाइम 120 या 150 रुपये की होगी और बहुत अच्छी लाइट है। पिछले मैं तकरीबन दिवाली से इसको यूज कर रहा हूँ, 1 महीने को होने को जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है। अभी तक कोई भी इस लाइट में प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों, इस लाइट को चाहे तो आप अच्छी तरीके से लपेट सकते हैं। तो मैंने बस इसी तरीके से इस लाइट के ऊपर ऐसे फैला दिया है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था और वीडियो का सेटअप भी कम्प्लीट करना था। तो आज मैं इस लाइट को अच्छे से लपेट देता हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं रखता हूँ। तो ये जो मैंने लाइट मंगाई हुई थी, ये तकरीबन 5 मीटर की है। इसको सबसे पहले तो आपको निकाल लेना है, पड़ जाएगी। देखिए, ये कुछ इस तरीके से लाइट है, ये पूरी झालर जैसी है। और जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो किसी किसी में ये कॉपर का होता है, किसी किसी में ये एल्युमिनियम का होता है, लेकिन हमारे केस में ये स्टील का है। ठीक है दोस्तों, तो स्टील से यहाँ पर ये एक बेनिफिट है कि इसमें जंग वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, कॉपर का है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से है और नीचे यहाँ पर USB मिल जाती है। USB से यहाँ पर फ़ायदा ये है, चाहे तो आप पावर बैंक में इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मोबाइल का चार्जर होता है अडाप्टर में उसको लगा दें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप पहले अच्छे तरीके से देख लीजिए कि पौधा हम कहाँ से लगाएं और जो हमारा ये पावर अडाप्टर है वो कहाँ पर जाके फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पौधे को बस ऐसे ही पावर अडाप्टर को दे दिया और फिर यहाँ से पावर अडाप्टर आपका दूर है। तो इसको पहले आप नाप लीजिए कि कितना हम वहाँ पर लगाएं और कितना जो है हमारा पावर अडाप्टर के पास जा पाएगा। तो हम लोग इसको लपेट देते हैं, लपेट देंगे। और आपको बहुत नीचे नहीं लपेटना है, जैसे जहाँ पर आपका ये है ना, ये जो आपका दिख रहा है, आपको यहाँ से नहीं लपेटना है क्योंकि पानी वानी आप डालेंगे तो दिक्कत होगी। तकरीबन आप एक इतना तक आप छोड़ दीजिए, 15 सेंटीमीटर, या आप नाप लीजिए एक बलिस्त के आसपास आप छोड़ दीजिए, फिर उसके ऊपर से आप लपेटना चालू कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो
अच्छा, सबसे नीचे मैं इसको रखूंगा, क्योंकि जैसे कभी कभी हम इस पौधे को बाहर अगर रख देते हैं और वहां पर हमारे पास अडाप्टर नहीं है, तो मैं पावर बैंक का सहारा ले सकता हूँ। तो पावर बैंक मैं इसी गमले में रख दूंगा। तो इसके लिए जो ये वाला पोर्शन है, मैं इसी में ऐसा करके मैं लपेटूंगा। तो यहाँ पर मैंने पावर बैंक गमले में रख दिया, और ये जो अडाप्टर है ना, अडाप्टर की जगह पर मैंने पावर बैंक को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर बेटर रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको नीचे से ही लपेट देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अब दोस्तों, ये जो लीड थी, जो ये झालर थी, मैंने इस पर अच्छे तरीके से लपेट दी है। इससे फ़ायदा ये है कि जैसे अगर आप इस पौधे को धूप में रखना चाहें तो आसान तरीके से रख सकते हैं। पानी वानी भी डालना चाहें, क्योंकि ये झालर जो है ये स्टील की, जो इसकी जो लीड है ये स्टील की बनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसमें LED लगी हैं वो वाटर प्रूफ है, तो पानी वानी भी आप आराम से इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने इसको, ये सबसे नीचे मैंने इसको लगाया है, तो यहाँ पर आप जैसे ये हमारे पास पावर अडाप्टर है, सॉरी पावर बैंक है ये हमारे पास, तो इसको इसी में ऐसा लगा के और गमले में आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये लग चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको हम दोबारा से वहीं पर रख देते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख गया है और काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है। और आप इस तरीके से अपना YouTube सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं, और थोड़े बहुत चेंज आप हमेशा करते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही आपका अगर कोई सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसी तरीके के घरेलू, जैसे कोई भी चीज़ होती है घर से रिलेटेड, अगर आप इसी तरीके के और भी, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।